फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का केक, वो भी कुकर में। चलो, इंग्रेडिएंट्स इस प्रकार है। दही लिया है हमने आधा कप, पाउडर शुगर लिया है हमने एक कप और एक चौथाई कप, तेल लिया है हमने आधा कप, मैदा लिया है हमने आधा कप, सूजी डेढ़ कप, बेकिंग सोडा एक चौथाई कप, बेकिंग पाउडर एक टीस्पून, मिल्क एक कप और एक टेबलस्पून, टूटी फ्रूटी लिए हमने दो टीस्पून, वनीला एसेंट लिया है हमने दो से तीन बॉल, जो यहाँ है इस तरह। चलो बनाते हैं। बना रहे ना? अब हमने कंटेनर ले रखा है, हम इसमें बना लेते थे लेकिन ये छोटा पड़ रहा है इसलिए हम बड़े इसमें बना रहे। आधा कप दही है, ये कटोरी कप का साइज है पूरा, इसी से हमने सब नापा है। अब इसे फेंट लेते हैं, एक भी लम्स ना रहनी चाहिए। एक ही डायरेक्शन में घुमाएंगे। अब लेंगे पाउडर शुगर, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। शक्कर एक चौथाई कप फिर से डाल देंगे, फिर से फेटेंगे। एंड तक एक इसी डायरेक्शन में घुमाना है आपको। अब डाल देंगे ऑयल, अब ऑयल की जगह घी भी ले सकते हो या बटर। अब डाल दे मैदा, अब सूजी डाल दे, साथ ही में दूध डाल देंगे। अच्छी तरह फेटेंगे। कंसिस्टेंसी इस तरह होनी चाहिए। अब इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। अब हम कुकर को प्रीहीट करेंगे 10 मिनट के लिए। अब नमक डाल दे, हमने नमक लिया है, ये दो से तीन बार यूज हुआ है इसलिए वो थोड़ा सा कलर उसका गहरा गया है। इसी तरह फैलाना है। नमक अच्छी तरह प्लेन कर लिया है हमने। अब इसमें स्टैंड रखेंगे, ऐसे कोई भी स्टैंड रख सकते हो। अब इसे 10 मिनट के लिए रखेंगे। हमें सिटी और रिंग निकाल के रख दिए हैं, सिटी भी नहीं लगाएंगे और रिंग को भी हटा देते हैं।
अब आधा घंटा हो गया है। सूजी फूल के गाढ़ी हो गई है। अब इसमें थोड़ा सा और दूध डाल देंगे। अच्छी तरह फेटेंगे। अब इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, और वेनिला एसेंस। बिल्कुल इतना सा। वेनिला एसेंस डालना बहुत जरूरी है, नहीं डालते भी चलता, लेकिन इससे स्वाद दुगना बढ़ जाता है। आप इलायची भी डाल सकते हो। अब ये प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी करनी है। अभी अब कंटेनर को ग्रीस करेंगे। आप कोई भी छोटा या बड़ा कंटेनर ले सकते हो। आप चाहे तो एल्युमिनियम का भी ले सकते हो। मेरे ये कुकर का था, मैंने कुकर का ही लिया है। अच्छी तरह ग्रीस करेंगे। हमने बटर पेपर लगा के रखा है, उसे भी ग्रीस किया। अब इसमें टूटी फ्रूटी डालेंगे नीचे। आधे ऊपर डालने के लिए रखेंगे और थोड़े से बादाम। आप कुछ भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, बादाम, काजू। मैंने बादाम डाले हैं या पिस्ता। अब डाल दे। अब इसे हल्का सा टैप करेंगे। अब टूटी फ्रूटी डालेंगे। इसे दिखने में बहुत अच्छा दिखेगा, बहुत सुंदर लगेगा। और कुछ बादाम। भापर, ये कुकर प्रीहीट हो गए हैं। अब रख दे, आराम से रखेंगे। और बंद कर देंगे। अब 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। फिर आधे घंटे के लिए स्लो फ्लेम कर लेंगे। स्लो फ्लेम से थोड़ी ज़्यादा कर लेंगे। और बिल्कुल आप देख सकते हो, आप इसे सिटी हमने नहीं लगाए हैं, आप भी नहीं लगाएंगे। चलो इसी तरह रखेंगे। अब चलो चेक कर लेते हैं। आधा पौन घंटा हो गया है, 45 मिनट हो गए कुल। अब नाइफ डाल के चेक कर लेंगे। हमारा केक रेडी है, बिल्कुल कुछ लगा भी नहीं इसे। चलो हम इसे निकाल लेते हैं, आराम से संसी से निकालेंगे इस तरह से। हम केक को 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे ताकि अच्छे से निकल जाए। इसी तरह करेंगे। दस मिनट हो गए, अब केक ठंडा हो गया है, अब निकाल लेते हैं। वाओ,
अच्छी तरह निकला है। अब केक पर दूसरी प्लेट रख के पलटा देंगे। स्पंजी सॉफ्ट केक बनके रेडी है। आप इसे अच्छी तरह बना सकते हो, ट्राई तो कीजिए प्लीज। अच्छी तरह बना सकते हो इसे और अपने फ्रेंड के साथ और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। इतना सॉफ्ट और इतना अच्छा केक बन के रेडी है। तो आपको ये डिश पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं नए डिश के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।